हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। सो गाइज, अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पर बन रहे हैं स्पेशल बाजार जैसी स्टाइल में भाप वाले पोहे। तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं पोहे, नीचे भगोनी रख दिए पानी की और ऊपर पोहे रख दिए हैं और ये सारी तैयारी कर लिए। और जो आज स्पेशल पोहा बनाया है वो बना रहे हैं पतिदेव। तो ये नहाए नहीं थे, मैं भी नहीं नहाई हूँ और आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ खाने में। तो देखिए, इन्हें स्टीम वाले पोहे हैं, ये बिल्कुल बाज़ार के पोहे को भी मात कर देंगे। इस तरह के पोहे बने थे आज हमारे। और इसमें फिर उन्होंने ये मसाला डाला है, ये है जीरावन मसाला जो मैंने दीदी से मंगवाया था। और ये है प्याज टमाटर जो बारीक बारीक काट करके रख दिए थे। और एक में ही हमने प्याज और टमाटर काट करके रख दिए थे, इसे डाल देंगे। फिर डाल देंगे बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च हमने हमारे हिसाब से ही डाली है, बच्चों के लिए बनाए तो उसमें हरी मिर्च को अवॉइड कर दें। और डाला है ढेर सारा नमकीन, क्योंकि नमकीन डालकर मुझे तो पोहे बड़े अच्छे लगते। और ये जो नमकीन है, मिक्स वाला जो नमकीन होता है ना, वो डाला है हम लोगों ने। और ये है जीरावन पाउडर जो वापस से हमने स्प्रेड कर दिया है पोहे का मसाला। तो चलिए गर्मा गर्म पोहे खा लेते हैं फ़िलहाल, क्योंकि नाश्ता जो है ना ज़रूरी हो जाता है सुबह के टाइम अगर लेट हो जाए हम खाने में। तो हस्बैंड के बनाए हुए खास पोहे हैं भाई। टाइम हो गया 10:15, आज मैं लेट हो गई हूँ खाने में, तो अभी नहा ही नहीं हूँ। इन्होंने भाई पोहे बना दिए, तो भाई पहले पोहे का नाश्ता कर लेते हैं हम, खा करके बताती हूँ कैसे है। बाजार के पोहे भी फेमस क्या है, मजा आ गया। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा करके, और आज ये वाला सूट पहन लिया है। तो बस टॉवल से थोड़ा सा क्या होता है ना, थोड़ा सा फेस गीला वगैरह रहता है तो उसको पोंछ लेते हैं। और बस हल्का सा क्रीम वगैरह यहाँ पर लगा लूँगी, और इसके बाद अभी भगवान जी की पूजा करनी है और जाना है मुझे मंदिर। तो ये अभी पहले ये चीज़ें करनी है, तो बस मैं क्रीम वगैरह लगा करके मंदिर जाऊँगी। और देखिए यहाँ पर जो भृगु है, ये अभी नया नया खाना सीख रहा है, मतलब तो ये अभी पोहे खा रहा है खुद के हाथ से ही। तो वैसे भी बच्चों को धीरे धीरे करके हमें सिखाना ही पड़ेगा खुद के हाथ से खाना जब भी पार पड़ती है। और यहाँ पर भगवान जी के थोड़ी सी धूल मिट्टी हो गई थी आगे के साइड में, तो इसी को मैं साफ़ करने में लग रही हूँ। और आज जो है, मैं भगवान जी को मैंने नहलाया नहीं था, बस भगवान जी के दिया बाती करूँगी। ये पोहे देखो आप, माँ चारों तरफ पोहे फैला दिए, ऐसे पोहे खाते हैं हैं? और हंस क्यों रहा है तू? लड़ाई करो तेरी, जा बैठ चुपचाप से जाके जा। ऐसे ही है भाई, काम ही काम। अभी जस्ट मैंने झाड़ू पोछा फ्री करके तो नहाई थी, और वापस से मुझे सब काम करना पड़ेगा। जाओ सिंक में रख के आओ ये, जाओ। नहीं। क्यों नहीं ना लाया के तू पूरा? ये देखो भाई पोहे ही पोहे, इतने सारे पोहे। ये लेके बता रहे, देखो ये मेरा साड़ी पिन था, इसको तोड़ तोड़ा के इसने कर दिया काम खराब। रघु इधर आना, तो क्यों तोड़ा इसको? और यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन हैं, सबसे पहले इन्हें क्लीन करूँगी। अभी खाना बनाने से पहले यूँ लगता है कि लो थोड़ी सी किचन को जो है थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं पहले, उसके बाद खाने की तैयारी में लगेंगे। और अपने सिंक को भी मैंने जो है साफ़ कर लिया है अच्छे से। यहाँ पर शक्कर का जो डब्बा है, इसमें शक्कर हो गई थी ख़त्म, तो बस मैं इसमें शक्कर भी भर दूंगी। और जो छोटा डब्बा है जो डेली यूज़ में शक्कर काम में आती है, चाय चीनी का जो डब्बा है, इसमें भी मैं शक्कर को है जो भर के रख दूंगी। तो चलिए अब अपनी दाल को संभाल लेती हूँ। दाल तो एक्चुअली मैंने सुबह ही नहाने से पहले ही चढ़ा दी थी, और देखिए कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो आज सिंपल मूंग की धुली वाली दाल बनाई है, क्योंकि के खाने में हमने पोहे बना लिए थे ना, तो फिर खाना खाने का मन ही नहीं था।
और यहाँ पर पानी थोड़ा सा बॉईल कर लिया है क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, तो इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दूँगी। हरी मिर्च को काट ली है और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई छुट्टी वाले दिन बच्चे बहुत ज़्यादा आफत कर देते हैं, बता रही हूँ अभी कि भाई छुट्टी वाले दिन जो है ना बच्चे बड़ी मुसीबत कर देते हैं। आज इनकी छुट्टी है और इन्होंने इतनी मुसीबत कर दी, मेरे इतने ज़्यादा काम फैला दिए, इतना लेट भी हो गई हूँ मैं, पर क्या करें, बच्चों को तो संभालना ही पड़ता है। और यहाँ पर बिना मिर्च वाली जो है दाल निकाल ली है भृगु के लिए, और बस अब लगाएंगे तड़का। तो तड़का मैं मूंग की दाल में हमेशा घी में लगाती हूँ क्योंकि घी से थोड़ा टेस्ट जो है अच्छा आ जाता है। तो बस अब दाल में तड़का लगाऊंगी यहाँ पर, तो घी डाल दिया है। और यहाँ पर बिना मिर्च का तड़का थोड़ा सा भृगु की दाल में भी डाल दिया था। इसके बाद सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, लाल मिर्च, सूखा धनिया, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और बस मैं लगा लूँगी अपनी दाल में तड़का। और हींग मैंने इसमें पहले ही डाल दी थी। और देखिए दाल को मैं ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, गाढ़ी ही रखी है मैंने आज दाल, क्योंकि कि फिर इससे क्या है ना इसकी क्वान्टिटी ज़्यादा भी हो जाएगी और हम लोग खाने वाले सिर्फ अभी दो ही हैं, बच्चे इतना खाते नहीं हैं, आपको पता ही है बच्चे थोड़ा बहुत ही खाते हैं। और अभी यहाँ पर किचन काउंटर को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी क्योंकि कि अभी रोटी सेकनी है, तो रोटी सेकने से पहले ये लगता है कि काउंटर जो है इसको अच्छे से क्लीन कर दें, फिर मैं इसी के ऊपर रोटी जो है बेल लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर लोग चकले का यूज़ करते हैं, पर पता नहीं कि शुरू से ही ऐसी ही आदत पड़ी हुई है कि मैं इस काउंटर पे ही रोटी को बेलती हूँ और मुझे इसी पे बेलना अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ पर गर्मा गर्म जो है रोटी बना लूँगी अभी। तो यहाँ पर रोटियाँ मेरी बन गई हैं। उसके बाद मैंने देखिए ये जो दाल है इसको पूरा इस भगोनी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया ताकि कि कुकर खाली हो जाए। और अभी अपने किचन काउंटर को जो है अच्छे से क्लीन कर लूँगी, अपना ये जो गैस है इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो वही स्टेप बाय स्टेप, पहले सूखे कपड़े से फिर गीले कपड़े से, इसी तरह से इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी अभी। तो चलिए अभी खाने की जो है थाली लगा लेते हैं। तो अभी वैसे सच बताऊँ इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, फिर भी यूँ लग रहा है कि जो खाना है वो खा करके फ्री हो जाएं, क्योंकि कि फिर अगर बैठे ही रहो तो फिर भूख और मर जाती है। तो लगता है कि जितनी भाएगी उतनी खा लेंगे। तो यहाँ पर रख ली है दाल और लगा ली है इसमें रोटियाँ, और थोड़ा सा जो मैंने सैलेड काट करके रखा है वो सैलेड इसमें रख दूँगी। तो ये है आज की हमारी लंच थाली, इसमें है दाल, चपाती और सिंपल सा सलाद। इसके ऊपर मैंने हल्का सा काला नमक भी स्प्रेड कर दिया था और थोड़ा सा नींबू भी डाल दिया था, तो उससे क्या मज़ा आ जाता है खाने में। तो चलिए खा लेते हैं फ़िलहाल खाना, आइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ। तो खाना मैंने खा लिया था और थोड़ी देर बाद ही मिष्टी और भृगु दोनों ही कहने लग गए थे कि मम्मा अमरूद खाने हैं जो पड़े हुए थे फ्रीज में, अभी कल ही लिए थे मैंने। तो इन दो अमरूद को मैं अच्छे से काट लूँगी, पर अभी सीज़न नहीं है, बरसात वाले अमरूद आ रहे हैं तो इतने ज़्यादा अच्छे तो नहीं आते हैं, पर यूँ लगता है कि लोग खा ही लेते हैं अमरूद, वैसे भी हम सभी को पसंद है। तो बस यहाँ पर काट लूँगी और इसमें डाल दूँगी हल्का सा काला नमक, क्योंकि काला नमक डालने से अच्छा लगता है टेस्ट अमरूद का। तो बस अभी अमरूद खाएँगे हम लोग। तो भाई देखिए ये हमारे अमरूद और इसमें डाला है मैंने हल्का सा काला नमक, इसे मुझे अमरूद बड़े पसंद है। और अभी क्या है बरसात के जो मौसम के अमरूद होते हैं ना वो वाले आ रहे हैं अभी। क्या हुआ भृगु, ले आजा अमरूद खा ले। तो ये अमरूद खा लेते हैं, अभी लिए थे। हेलो,
नमक है इसमें, खा लो। कैसे लगे? अच्छा लगे तेरे? कैसे प्रभु अच्छा लगे? तो देखिए आपने प्रभु की मस्ती, और देखिए इन्होंने कचौड़ी खाई थी, इसको भी चारों तरफ फैला फैला करके खाई और इसे पटक दिए। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को कर देती हूँ एंड। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलूंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।